आंखों का शोर, ये तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मिलता खेल रत्न। सुश्री लवलीना बोरेन को वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। और ये देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात। लेकिन ये पहनूंगा मैं तो पॉलिटिक्स की, मैं लोग कहेंगे कि मोदी फिर गड़बड़ करने वाला है। ये सम्मान है हिंदुस्तान के उस बेटी का जिसने 125 अरब हिंदुस्तानियों का सपना पूरा करने के लिए टोक्यो ओलंपिक रिंग में उतरी, विरोधियों की ओर से आने वाले ताबड़तोड़ मुक्कों को झेला और फिर एक जोरदार पंच के साथ ओलंपिक मेडल जीत लाई। ये वही मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन हैं जिन्होंने साल 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुए ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हिंदुस्तान का परचम लहराया था। लेकिन आज यही लवलीना कॉमनवेल्थ गेम से पहले मानसिक उत्पीड़न झेलने को मजबूर हैं, और ये उत्पीड़न इस कदर है कि लवलीना को यहाँ तक कहना पड़ गया कि इन खेल में होने वाली इस पॉलिटिक्स को तोड़कर मेडल जीतना चाहती हूँ। 28 जुलाई से जब इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे भव्य टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है, तो देश की मुक्केबाज बेटी लवलीना जिसने ओलंपिक मेडल जीतकर करोड़ों हिंदुस्तानियों का सपना पूरा किया, वो रोने को मजबूर है। ट्विटर पर एक पोस्ट में अपना दुख और दर्द लोगों से बयां करते हुए मुक्केबाज लवलीना ने लिखा, आज मैं बहुत दुख के साथ ये कहती हूँ कि मेरे साथ बहुत हराशमेंट हो रहा है। हर बार मेरे कोच जिन्होंने मुझे ओलंपिक में मेडल लाने में मदद की, उन्हें बार बार हटाकर मेरे ट्रेनिंग प्रोसेस और प्रतियोगिता में हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं। इनमें से एक कोच संध्या गुरुंग जी द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं। मेरे दोनों कोच को कैंप में भी ट्रेनिंग के लिए हजार बार हाथ जोड़ने के बाद बहुत लेट से शामिल किया जाता है। मुझे इससे ट्रेनिंग में बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है और मेंटल हरासमेंट भी होता है। ओलंपिक मेडल विनर मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने इसी पोस्ट में आगे कहा कि अभी मेरे कोच संध्या गुरंग जी कॉमनवेल्थ विलेज के बाहर हैं और उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है, और मेरा ट्रेनिंग प्रोसेस गेम्स के 8 दिन पहले रुक गया है। मेरे दूसरे कोच को भी इंडिया वापस भेज दिया गया है। मेरे इतने आग्रह करने के बाद भी ये सब कुछ हुआ है, जिससे मुझे काफी मेंटल हरासमेंट हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं गेम में कैसे फोकस करूं। इसके चलते मेरा लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खराब हुआ, और इस पॉलिटिक्स के चलते मैं अपना कॉमनवेल्थ गेम्स खराब नहीं करना चाहती। आशा करती हूँ कि मेरे देश के लिए पॉलिटिक्स को तोड़कर मेडल ला सकूं। जय हिंद। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड गए मुक्केबाज लवलीना ने ट्विटर के जरिए अपना दर्द बयां किया, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करके लिखा कि लवलीना हमारे राष्ट्र के लिए एक संपत्ति है, उन्हें हर तरह से प्रोत्साहित और समर्थन किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार उनकी शिकायत पर गौर करेगी और उन्हें हो रही परेशानी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। लवलीना ने जैसे ही सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया, उसके कुछ ही देर बाद हालांकि खबर आ गई कि कॉमनवेल्थ गेम से पहले संध्या गुरंग और खेल मनोचिकित्सक गायत्री वर्तक को भारतीय दल में शामिल कर लिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता संध्या राष्ट्रीय शिविर में सहायक कोच हैं और वो मुक्केबाज लवलीना का मार्गदर्शन कर रही हैं, जबकि गायत्री मानसिक अनुकूलन कोच हैं जिन्होंने मई में भारतीय टेबल टेनिस के टीम के साथ राष्ट्रीय शिविर में काम किया था। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के एक सूत्र ने भी बताया कि संध्या गुरंग और गायत्री वर्तक को भारतीय दल में शामिल किया गया है। आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक से पहले लवलीना को मुश्किल मानसिक स्थिति से बाहर निकलने का श्रेय संध्या गुरंग को ही जाता है, जहाँ मुक्केबाजों ने 15 दिवसीय शिविर में हिस्सा लिया था। संध्या को भारतीय दल में आखिर क्षणों में शामिल किया गया था, जिसकी वजह से उनका एक्रेडिशन नहीं पहुंच सका और वर्मिंगहम पहुंचने पर उन्हें हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था। वो इसके बाद उस होटल में रुकी जहां अतिरिक्त अधिकारी ठहरे हुए हैं। बहरहाल,
जिस तरह से मुक्केबाज लवलीना ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI पर गंभीर आरोप लगाया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।